हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कौन कौन से बेसिक टूल्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिनकी हेल्प से आप एक अच्छे से यूट्यूब वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वो बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होता है कैमरा। लेकिन आपको अलग से कोई भी कैमरा परचेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आजकल इतने अच्छे अच्छे लो बजट स्मार्टफोन्स आते हैं, जिनमें बहुत ही अच्छा कैमरा होता है, जिनकी हेल्प से आप एक बेहतर और HD क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आपको कैमरा में बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन से ही बहुत ही अच्छी और HD क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, वो है एक ट्राइपॉड। तो जब आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको अपने स्मार्टफोन को फिक्स करने के लिए एक ट्राइपॉड की ज़रूरत होगी। तो आप एक ट्राइपॉड ज़रूर परचेज करें। और आजकल 600 टू 700 रुपीज़ में बहुत ही अच्छे ट्राइपॉड मिल जाते हैं। और अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा महंगा वाला ट्राइपॉड परचेज करने की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ आप 600 टू 700 वाला ट्राइपॉड परचेज कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छे से आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जो ट्राइपॉड मैं यूज़ करती हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, वो है एक माइक। तो आप अगर वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आपकी वीडियो का जो ऑडियो है, उसका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप उसके लिए एक माइक में ज़रूर इन्वेस्ट करें। और आपने ज़्यादातर यूट्यूबर्स को देखा होगा, वो लोग बोया BY-M1 माइक यूज़ करते हैं। जो माइक मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी बोया BY-M1 है, और ये माइक आपको 700 टू 800 में मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा माइक है। इसका जो वायर है, उसकी लेंथ आपको 6 मीटर तक की मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और आप इस माइक को अपने स्मार्टफोन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप कैमरा से वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, तभी भी आप इस माइक को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जब आप इस माइक को यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन से अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप एक ओपन कैमरा नाम का एप्लीकेशन है, जो आपको प्ले स्टोर में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लें, एंड देन उसके थ्रू इस माइक को यूज़ करके अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करें। तो आपकी वीडियोस का जो ऑडियो है, वो इस माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप स्मार्टफोन के कैमरा को यूज़ करेंगे, तो इस माइक के थ्रू आपका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, जो हमारा फोर्थ इम्पॉर्टेंट टूल है अपनी YouTube वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए, वो है लाइट। तो अगर आपके घर में अच्छी नेचुरल लाइट आती है, तो आप नेचुरल लाइट में ही अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आपके घर में अच्छी नेचुरल लाइट नहीं आती है, या फिर अगर आप शाम को या रात में अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, तो आप एक डिजिटेक ब्रांड की रिंग लाइट है, उसको परचेज कर सकते हैं। ये आपको स्टैंड के साथ अप्रॉक्सीमेट 4000 प्लस की मिल जाएगी। और अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर हो और आप इतना खर्चा नहीं करना चाहते हो, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है, आप एक LED बल्ब को परचेज कर सकते हैं। ये 50 वॉट का आता है, और ये आपको अप्रॉक्सीमेट 700 रुपीज का मिल जाएगा। दोनों ही चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप दोनों चीज़ों को चेक कर सकते हैं वहाँ से। अब दोस्तों, हमारा जो लास्ट इम्पॉर्टेंट टूल है अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए, वो है बैकग्राउंड। तो आपकी वीडियोस के बैकग्राउंड का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे इजी और अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके घर में एक क्लियर वॉल है, तो आप वॉल के सामने अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा, आप कर्टेंस के सामने भी अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इन दोनों ऑप्शंस के अलावा, आप चाहें तो स्टिक करने वाले वॉलपेपर्स को भी वॉल पे लगा सकते हैं, और फिर अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे स्टिक करने वाले वॉलपेपर्स Amazon पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
और इन सब के अलावा भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप ग्रीन स्क्रीन को भी यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। ग्रीन स्क्रीन बेसिकली एक ग्रीन कलर का पर्दा होता है जिसको आप रिकॉर्डिंग के टाइम यूज कर सकते हैं, एंड देन जब आप वीडियो की एडिटिंग करते हैं तो आप उस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके अपनी पसंद का कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप ग्रीन स्क्रीन को यूज कर रहे हैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए तो आपकी वीडियो की जो लाइट है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी अच्छे से ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो पाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 बेसिक इंपॉर्टेंट टूल जो कि एक YouTube वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। तो अब आती है शाउट आउट की बारी। आज की वीडियो में मैं जिन दो लोगों को शाउट आउट देना चाहूंगी उनका नाम है गर्ल गेमर एंड मोटिवेशन ऑफ माइथोलॉजी। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोग प्लीज इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।